नमस्कार दोस्तों, जेएमडी कंसल्टेंसी चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। ईपीएफओ की ओर से एक नया सर्कुलर आ चुका है, 3 मार्च 2023 को जारी किया गया है और इस सर्कुलर में ईपीएस 95 पेंशन धारक और पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी यहां पर निकल के आ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से 3 मार्च 2023 को यह नया सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें आगामी सीबीटी की मीटिंग कब होनी है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि होल्डिंग ऑफ 233rd मीटिंग ऑफ द कंट्रोल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी की यह बैठक 25/3/2023 और 26/3/2023 को होने जा रही है, यानी कि 25 मार्च 2023 और 26 मार्च 2023 को ईपीएफओ की सीबीटी की 233वीं बैठक होने जा रही है। अब इस बैठक में जैसा कि आपको पता ही है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन को लेकर कई मुद्दे यहां पर चल रहे हैं और कई तरीके की समस्याएं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरने को लेकर आ रही है। इसके लिए हमने ये वाला जो वीडियो है वो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और ईपीएस 95 की जो मिनिमम पेंशन का मुद्दा यहां पर चल रहा है, इसी के साथ पीएफ खाता धारकों को पीएफ फंड पर मिलने वाले ब्याज की जो रेट है, रेट भी यहां पर तय की जाएगी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वर्तमान में अभी 8.10% इंटरेस्ट यहां पर दिया जा रहा है। अब इस फाइनेंशियल ईयर के लिए यानी 2022-23 के लिए पीएफ खाताधारकों को ब्याज कितना दिया जाएगा, इस बात का डिसीजन भी इसी सीबीटी मीटिंग द्वारा लिया जाएगा। इसी के साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये पर मंथ करने तथा उसमें महंगाई भत्ता को जोड़ने तथा साथ ही साथ चिकित्सा सुविधा, मेडिकल सुविधा देने को लेकर लगातार श्रम मंत्रालय से मीटिंगें यहां पर चल रही हैं, उस पर भी कुछ ना कुछ चर्चा यहां पर जरूर हो सकती है। इसके अलावा हायर पेंशन को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों और पीएफ खाता धारकों में कई सारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये सारी के सारे जो असमंजस की जो स्थितियां हैं वो इस मीटिंग में क्लियर होने की उम्मीद की जा रही है। यह सीबीटी की जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 233वीं बैठक है, जो कि ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैसले लेती है, इनकी बैठक 25/3/2023 और 26 मार्च 2023 को यहां पर होने वाली है। इसमें क्या कुछ नए डिसीजन निकल कर आएंगे ये तो इस मीटिंग के बाद में ही पता चलेगा, लेकिन यह काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।